हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सैमसंग B110 में ऑन ऑफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑन ऑफ प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस तरह से है। दोस्तों हमारे फ़ोन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है, और चार्जिंग से हटाते ही हमारा फ़ोन ऑफ हो जाता है और उसके बाद ऑन नहीं होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया है। चार्जिंग पे लगाने के बाद दोस्तों अगर हम अपने फ़ोन को ऑन करेंगे तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा, बट जब चार्जिंग से हम निकाल देते हैं, चार्जर को हटा देते हैं, तो हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक लो बैटरी बताकर स्विच ऑफ हो जाता और उसके बाद ऑन नहीं होता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका। तो चलिए अब इसका हम चार्जर रिमूव करके देख लेते हैं कि हमारा फ़ोन कितनी रुकता है या फिर ऑफ हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्जर हटा दिया और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लो बैटरी बताकर तुरंत स्विच ऑफ हो गया है। तो हमारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इस प्लेट को भी रिमूव कर देंगे। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, अगर आपने मिस कर दिया तो आपका मोबाइल सही नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे ठीक कैसे करना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ से ये तीसरे नंबर का पॉइंट जो है, तीसरे नंबर की लगी हुई आईसी को हम रिमूव कर देंगे। ये तीसरे नंबर की जो ब्लैक कलर की आईसी लगी हुई है, इसे हमको रिमूव करना है। एक बार फिर से आप देख ले सकते हैं, ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरे नंबर की ब्लैक कलर की जो आईसी लगी हुई है, इसको हमको रिमूव करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे रिमूव करके देख लेते हैं। आप इसे आयरन से भी रिमूव कर सकते हैं या फिर हीट गन से भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। आपको तीसरे नंबर की ब्लैक कलर की आईसी को रिमूव करना है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम इसे रिमूव कर लेते हैं, फिर आगे क्या प्रोसेस बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीसरे इस तरफ से तीसरे नंबर की आईसी को रिमूव कर दिया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने इसे रिमूव कर दिया है। अब दोस्तों करना क्या है आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा जम्पर लेना है और उस जम्पर को हम वहाँ पर दोनों पॉइंट से मिला देंगे। जो आईसी हमने रिमूव की है, उस आईसी को रिमूव करने पर दो पॉइंट हमको मिलेंगे, उन दोनों पॉइंट को हम आपस में जोड़ देंगे, यानी कि उनको आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस पर जम्पर लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि जम्पर कहाँ पर लगाने और किस तरह से लगाने हैं। तो दोस्तों हमने जम्पर लगा लिया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जम्पर किस तरह से आपको लगाने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमने आईसी रिमूव की थी तो इसके दो पॉइंट हमको मिले थे, इस पर हमने इस तरह से यहाँ पर जम्पर से इसे शॉर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप इसे जम्पर कर सकते हैं। जम्पर करने के बाद चलिए दोस्तों, अब एक बार हम फिर से अपने फ़ोन को चेक करके देखते हैं कि अब ये बिना चार्जिंग पर लगाए हमारा फ़ोन ऑन होता है या फिर नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम फ़ोन को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है वो बिना चार्जिंग लगाए ही हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक छोटी सी आईसी को रिमूव करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट्स करते हैं तो हमारा जो प्रोत्साहन होता है वो बढ़ता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।